हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भानीराम डाल। आज मैं आप लोगों को कुछ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे हैं। अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने वहां से क्वेश्चन उठाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रताप, यानी C50 किस्म है। तो प्रताप C50 जो किस्म है वो तिल की प्रसिद्ध किस्म है। इसको शाखा रहित मतलब किस्म भी कहते हैं, यानी इसमें शाखाएं नहीं आती। दो तरह की किस्में देखने को मिलती तिल में, एक तो शाखाएं वाली और एक शाखा रहित किस्म। तो ये शाखा रहित किस्म है, पहले का दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से दलहनी फसल नहीं है, इनमें से कौन सी पल्सेज क्रॉप नहीं है। तो अरहर पल्सेज क्रॉप है, उड़द भी पल्सेज क्रॉप है, सोयाबीन है, हालांकि हम तिलहन के लिए इसको काम में लेते हैं, लेकिन लेग्यूम क्रॉप है तो दलहनी फसल ही है। और ज्वार है वो नहीं है, ज्वार पोएसी कुल की होती है, ग्रैमिनी कुल की होती है। तो दूसरे का चौथा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 3रा नंबर क्वेश्चन। पेंडा मेथालिन का उपयोग कैसे किया जाता है। देखो, पेंडा मेथालिन वीडिसाइड है, शाकनाशी है। इसका उपयोग बुआई के बाद करते हैं तथा अंकुरण से पहले करते हैं। अगर बुआई के बाद और अंकुरण से पहले करते हैं तो उसको प्री इमर्जेंस बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं निर्गमन पूर्व बोलते हैं। तो तीसरे का पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। मोथा का प्रवर्धन होता है, मोथा एक खरपतवार है जिसका प्रवर्धन होता है राइजोम पर कंद द्वारा। तो चौथे का चौथा ऑप्शन राइट है। मोथे का प्रवर्धन जो होता है वो परकंद द्वारा होता है। मोथे को जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है साइपर्स रोटेंडस। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। फिप्स ऑफ जो यूएसए की एक कंपनी है, तो उसकी जो प्रयोगशाला है वो 1905 में, पहले का पहला ऑप्शन राइट है। और इसी ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी दान की राशि दी थी जब ये बिहार के दरभंगा जिले के समस्तीपुर इलाके में बना था। बाद में ये IERI कहलाया और 1934 में वहां पे भूकंप आने की वजह से इमारत डैमेज हो गई, इसलिए IERI को 1936 में नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। और जिस स्थान पे स्थापित किया गया था, तो ये जो फिप्स ऑफ यूएसए कंपनी है, इसने दान की बड़ी राशि दी थी। इसका नाम याद रखने के लिए बिहार में भी जहाँ स्थापित हुआ था उस कैंपस को पूसा कहते थे, और यहाँ जो नई दिल्ली में इसको स्थानांतरित किया गया तब भी इसको पूसा कहा जाता था। तो यहाँ पूछा है फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी, तो 1905 में, पांचवें का पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल फसल किस कुल से संबंधित है। तो तिल का कुल होता है वो होता है पेडिलियेसी, छठे का तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है संकर मक्का की बीज दर होती है। तो संकर मक्का की जो बीज दर होती है वो होती है 20 से 25 किलो, सातवें का तीसरा ऑप्शन राइट है। अगर देसी या संकुल मक्का की बीज दर पूछ ले तो 18 से 20 किलो होती है, 18 से 20 किलो प्रति हेक्टर, और चारे के लिए पूछ ले तो 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर होती है, और डिबलर से अगर बीज दर पूछ ली जाए तो 4 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। जिप्सम में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है। तो जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा होती है 29.2%, 8 का पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था होती है। तो गेहूं के अंदर जो सबसे क्रांतिक अवस्था होती है वो CRI स्टेज होती है, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं, यानी शीर्ष जड़ जमने पर। तो 9वें का दूसरा यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। जिंक की कमी यानी जस्ते की कमी से धान में खेरा डिजीज होता है। तो ये क्वेश्चन था जस्ते की कमी से खेरा बीमारी किस फसल में होती है। तो पेडी धान के अंदर होती है, 10वें का तीसरा ऑप्शन राइट है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ये खेरा डिजीज के लक्षण होते हैं, इसमें तामर से कलर के धुब्बे धब्बे पड़ जाते हैं बहुत सारे, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये खेरा डिजीज है, 10 का तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। दूध में गंदगी आती है, तो एन के बाहर से भी आ सकती है, एन के भीतर से भी आ सकती है। 11 का सी ऑप्शन राइट है, ए व बी दोनों। देखो, एन के बाहर से जैसे भौतिक रूप से जो अशुद्धता गंदगी होती है, बालों का गिरना, धूल का गिरना या इस तरह के, और एन के भीतर से जैसे मान लो कि थनेला रोग हो रखा है या मतलब एन है वो किसी रोग से प्रभावित है, तो एन के भीतर से भी गंदगी आ सकती है। 11 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। गरिमा किसकी नस्ल है। तो गरिमा बफलो की, भैंस की नस्ल है, 12 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 13 नंबर। कृषि जिन्सों का समर्थन मूल्य का निर्धारण करते हैं, जो मिनिमम स्पॉट प्राइस होता है उसका जो निर्धारण होता है वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन द्वारा किया जाता है, 13 का बी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, खुरपका मुहपका रोग का कारक है। तो खुरपका या मुहपका जो रोग है ये वायरल डिजीज है, वायरस जनित रोग है। इसको मेलिगनेट या एपेजेनिक जबर या पंका खंगवा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये वायरल डिजीज है, 14वें का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, पशुओं के आयन में संक्रमण कहलाता है। तो मेस्टिटिस कहलाता है, 15वें का बी ऑप्शन राइट है, जिसे आप थनेला रोग कहते हो। इसके अलावा इसे स्तन शोथ, गार्गेट, आयन का सी, चिल ऑफ वेटर आदि रोगों के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जीवाणु जनित रोग होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेविशियस नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में पाइका रोग किसकी कमी से होता है। ये मिनरल्स की कमी से होता है, जनरली देखें तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। 16 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, पशुओं के पाचन तंत्र का प्रथम कक्ष होता है। तो प्रथम कक्ष होता है रूमेन, 17वें का डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद होता है रेटिकुलम, उसके बाद होता है ओमेसम, और उसके बाद होता है एबोमसम, एबो ओमेसम्स। यानी जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनका जो पाचन तंत्र होता है वो चार भागों में बंटा होता है। जुगाली करने वाले पशु कौन से होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नील गाय, जिराफ आदि। तो इनके अंदर जो पाचन करने वाले होते हैं इनमें चार पार्ट में बंटा होता है, और इन्हें रूमिनेंट्स मतलब जंतु भी कहते हैं, यानी जुगाली करने वाले जंतु कहते हैं। और नॉन रूमिनेंट जो होते हैं, जुगाली न करने वाले होते हैं, इनमें पाचन तंत्र में एक ही भाग होता है, चार भागों की आवश्यकता नहीं होती है। घोड़ा, सुअर, कुत्ता, हाथी, गधा, बंदर, खरगोश, ये जुगाली न करने वाले में आते हैं, नॉन रूमिनेंट्स टाइप बोलते हैं, और जुगाली करने वाले होते हैं उनको रूमिनेंट्स टाइप बोलते हैं। तो जो जुगाली न करने वाले हैं उनके तो पाचन तंत्र में एक ही भाग होगा, और जो जुगाली करने वाले हैं उनमें पाचन तंत्र के चार भाग होंगे, रूमेन्स, रेटिकुलम, ओमेसम और एब ओमेसम। ये चार भाग होते हैं, ये होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नील गाय, जिराफ इनमें, और इनको जुगाली करने वाले जंतु कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर था डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, भैंस के आहार का संतुलित अनुपात होता है। संतुलित अनुपात होता है 2/3 भाग तो चारा होना चाहिए, 1/3 भाग दाना होना चाहिए। 18 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गौवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सी नस्ल है वो भारवाही नस्ल है। तो नागौरी है वो भारवाही नस्ल है, साहीवाल, रेड सिंधी, जर्सी, ये तो दुधारू नस्ल है, दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, कौन से पशु रोग को वुल सॉर्टर डिजीज भी कहा जाता है। तो जो वुल सॉर्टर डिजीज कहा जाता है वो कहा जाता है एंथ्रेक्स को, बी का ए ऑप्शन राइट है। एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग, जहरी बुखार, प्लीहा जबर, विषहरी या बावला रोग बोलते हैं। ये जीवाणु जनित बीमारी है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए छिड़काव करते हैं। तो 2,4-D का छिड़काव करते हैं, 1000 ppm का। तो 21 का द ऑप्शन राइट है। पीपीएम में पूछ ले तो 1000 ppm, अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाता तो 0.1%। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, नींबू वर्गीय फलों में फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए छिड़काव करते हैं। तो 2,4-D का भी करते हैं, NA का भी करते हैं। ए ऑप्शन है 10 ppm 2,4-D, ये भी ठीक है। बे ऑप्शन है 20 ppm NA, ये भी ठीक है। तो 22 का राइट आंसर होगा सही ऑप्शन, उपरोक्त दोनों ए व बे दोनों। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, आम में फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए छिड़काव करते हैं। इसमें भी 2,4-D और NA का ही छिड़काव करते हैं। तो ए ऑप्शन है अपना 10 से 15 ppm 2,4-D, और बे ऑप्शन है 25 ppm NAA, ये दोनों ही ऑप्शन राइट है। तो 23 का राइट आंसर होगा सही ऑप्शन, उपरोक्त दोनों यानी ए व बे दोनों। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन से उपचारित करते हैं। इथाइलिन से करते हैं, और वो भी 500 से 1000 ppm करते हैं। तो 24 का राइट आंसर है द ऑप्शन, 500 से 1000 ppm इथाइलिन। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, नींबू तथा अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए छिड़काव करते हैं। GA3 का ही छिड़काव करते हैं, 50 से 100 ppm, यानी 25 का ए ऑप्शन राइट है। अगर 20 ppm GA3 का छिड़काव कर दोगे फिर बीज रहित फल तैयार होता है। तो 25 का तो यहाँ तो आकार बढ़ाने के लिए पूछा गया, तो ए ऑप्शन राइट है, 50 से 100 ppm GA3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 का व्यापारिक नाम है, 240 का व्यापारिक नाम है प्लांट गार्ड। व्यापारिक नाम क्या होता है? जिस नाम से मार्केट में बिकता है उसको व्यापारिक नाम कहते हैं। 240 ये तो कॉमन नेम है, इसका रासायनिक नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड, यानी ये इसका रासायनिक नाम हो गया। और मार्केट में किस नाम से बिकता है? प्लांट गार्ड। तो 25 का ए ऑप्शन हो गया, प्लांट गार्ड। उसके अलावा और भी ऑप्शन अपने देख लेते हैं, जैसे प्रोटॉन दिया हुआ है, तो प्रोटॉन जो नाम है वो 4CPA का है, 4CPA जो 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड जिसको बोलते हैं, उसका व्यापारिक नाम है। उसके अलावा इसमें व्यापारिक नाम में दिया हुआ है बेलजार, तो जो बेलजार है वो एसीक्लोरोफेन का व्यापारिक नाम है, और दिया हुआ है सेपा, सेपा इथोफेन या इथिलीन का व्यापारिक नाम होता है। तो 25 का यहाँ 240 का पूछा, तो प्लांट गार्ड ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, 4CPA का व्यापारिक नाम है, तो 4CPA का प्रोटॉन है, 26 का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 27 नंबर, 27 नंबर में इथोफोन का व्यापारिक नाम है, तो इथोफोन का व्यापारिक नाम होता है सेफा, 27 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, GA3 का व्यापारिक नाम है, तो GA3 मार्केट में प्रोजिप और बेरेलेक्स दोनों के नाम से बिकता है, तो 28 का सही ऑप्शन राइट है, उपरोक्त दोनों यानी ए व बे दोनों। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइफोसेट का व्यापारिक नाम है, तो ग्लाइफोसेट का व्यापारिक नाम होता है राउंड अप, यानी ए ऑप्शन राइट है इसका, राउंड अप ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, IAA का व्यापारिक नाम है, तो IAA का व्यापारिक नाम है राइजोफोन ए, राइजोफोन ए इसका व्यापारिक नाम है, 30 का बे ऑप्शन राइट है। उसके अलावा इसमें सेरेडेक्स दिया हुआ है, तो सेरेडेक्स IBA का व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, मक्का में पाई जाती है, तो मक्का एक लिंगी तो नहीं होता, द्विलिंगी होता है, नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पे आते हैं, उसको द्विलिंगी या मोनोसिस बोलते हैं। तो द्विलिंगी भी होता है, प्रोटो एंट्री भी होता है। प्रोटो एंट्री का मतलब होता है यदि मादा की तुलना से नर भाग पहले परिपक्व हो जाए तो उसको प्रोटो एंट्री कहा जाता है। तो द्विलिंगी भी है, प्रोटो एंट्री भी है, तो 31 का राइट आंसर है द ऑप्शन, ब व स दोनों, यानी द्विलिंगी और प्रोटो एंट्री दोनों ही पाए जाते हैं मक्का में, 31 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, बाजरा में वसा की मात्रा होती है, बाजरा में वसा होती है 5%, 32 का ब ऑप्शन राइट है। अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा जो वसा होती है वो बाजरा में ही होती है, 5% होती है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, बाजरा में पाई जाती है, तो बाजरा में प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी क्या होती है? अगर किसी पुष्प में या किसी पौधे में नर भाग की तुलना से मादा पहले परिपक्व हो जाता है तो उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं, 33 का द ऑप्शन राइट है, प्रोटोगाइनी। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, मरुबहार किस्म है, तो मरुबहार मोठ की सबसे प्रसिद्ध किस्म में से एक किस्म है। नेक्स्ट है अवरोधी किस्म है, तो अवरोधी जो किस्म है वो चना की किस्म है। ये जो अवरोधी किस्म है ये विल्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म भी होती है। और जो अभी अपने बात कर रहे थे मोठ की मरुबहार किस्म है, इसको RMO-435 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, पुसा मौसमी किस्म है, पुसा मौसमी ग्वार की किस्म है, 36 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, राजमा में गुणसूत्र संख्या होती है, तो राजमा में 22 गुणसूत्र संख्या होती है। वैसे तो अधिकांश रबी की जो लेग्यूम फसलें होती है उनमें गुणसूत्र संख्या 14 होती है, सिर्फ राजमा में 22 होती है और जो काबुली चना होता है उसमें 16, बाकी लगभग जो रबी की लेग्यूम क्रॉप है उनमें 14 ही होती है और खरीफ की लेग्यूम क्रॉप में लगभग 22 होती है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, विश्व की मुख्य दलहनी फसल है, तो विश्व की मुख्य दलहनी फसल है राजमा, 38 का बे ऑप्शन राइट है। भारत की पूछ ले तो चना मुख्य दलहनी फसल है, और राजस्थान की पूछ ले तो भी चना मुख्य दलहनी फसल है। हाँ, भारत में अगर ये पूछ ले खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है, चना तो रबी का है, अगर खरीफ का पूछ ले तो भारत में तो अरहर है और राजस्थान में खरीफ की पूछ ले तो मूंग है, लेकिन यहाँ विश्व की मुख्य दलहनी फसल पूछिए तो राजमा, 38 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 39 नंबर, विश्व की मुख्य तिलहनी फसल है, तो विश्व की मुख्य तिलहनी फसल तो है सोयाबीन, 39 का दे ऑप्शन राइट है, सोयाबीन। अगर भारत का पूछ लिया जाए तो मूंगफली है, फिर अपने मूंगफली बोलेंगे, और राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल पूछ ले तो सरसों होती है, लेकिन विश्व की पूछिए तो विश्व की सोयाबीन, 39 का दे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, लेग्यूम कौन सी भाषा का शब्द है, लेग्यूम लैटिन भाषा का शब्द है, 40 का सही ऑप्शन राइट है, लैटिन। लेग्यूम शब्द लैटिन भाषा के लेगस से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है बिगर यानी बड़ा।
नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, सुखाने के लिए प्याज की उत्तम किस्म है। देखो सुखाने के लिए प्याज की सफेद किस्में काम में ली जाती है, तो उदयपुर 101, उदयपुर 103 और अरका लालिमा है, ये तो लाल रंग की किस्म है। उदयपुर 102 है वो सफेद रंग की किस्म है, तो सुखाने के लिए सबसे बढ़िया रहेगी उदयपुर 102। 41 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा व नर पुष्प का अनुपात रखते हैं। देखो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है वो द्विलिंगी प्रकृति की होती है, एक बेल पे नर व मादा पुष्प अलग अलग स्थान पे आते हैं, तो हमें बढ़िया उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। 2:1 भी रख सकते हैं लेकिन सबसे बढ़िया होता है वो 3:1 होता है, तो 42 का सी ऑप्शन राइट है, 3:1 में मादा व नर पुष्पों को रखा जाता है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, पुसा दो मौसमी किस्म है, पुसा जो दो मौसमी किस्म है वो करेला की किस्म है। 43 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, टिंडा की बीज दर होती है, टिंडा की बीज दर होती है 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर, जिसको राउंड गार्ड बोलते हैं अपने, तो 44 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, सिट्रुलस लानाटूस में गुणसूत्र संख्या होती है, सिट्रस लानाटूस बोले तो वाटरमेलन या तरबूज, इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कुकरबिटा मोत्साटा बोले तो कद्दू पंपकिन का उत्पत्ति स्थल है, इसका उत्पत्ति स्थल है मेक्सिको बोले तो उष्ण अमेरिका। 46 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, दायरा खेती की जाती है, दायरा खेती क्या होती है, नहरों के किनारे जब पानी सूख जाता है तो उसके किनारे पर की जाने वाली खेती दायरा खेती या रिवर बेड फार्मिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, अपने थोड़ी जल्दी बुआई कर देते हैं और जल्दी अपने को फल मिल जाता है और ये अपने सॉरी जल्दी अपने को उत्पादन मिल जाता है। और जो दायरा खेती प्रचलित है वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में, और कद्दू वर्गीय में भी सबसे ज्यादा है वो खरबूजा में प्रचलित है, तो यहाँ 47 का राइट आंसर है बे ऑप्शन। राजस्थान में से बनास नदी और चंबल नदी के अंदर दायरा खेती देखने को मिलती है। नेक्स्ट 48 नंबर, कुकरबिट शब्द किसने दिया था, तो कुकरबिट शब्द है वो डॉक्टर बेली ने दिया था, जो अपने फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर पर पढ़ते हैं लिबर्टी हेडे बेली, उन्होंने दिया था। उसके अलावा डी कैंडेली दिया हुआ, तो ये सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक माना जाता है। फ्रैंक ने लेग्यूम शब्द दिया था और फंक ने विटामिन दिया था। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, कद्दू में पीला रंग किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है। 49 का ए ऑप्शन राइट है, केरोटीन। नेक्स्ट है 50 नंबर, तरबूज का लाल रंग किसके कारण होता है, तरबूज का लाल रंग लाइकोपिन और एंथोसाइनिन दोनों के कारण होता है, तो उपरोक्त दोनों राइट आंसर है 50 का सही ऑप्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि किसी पौधे में जंतु में ज्यादातर एक लक्षण एक जीन से ही नियंत्रित होता है, अगर एक लक्षण एक से ज्यादा जीन से नियंत्रित होता है तो उसको पॉलीजीनी कहते हैं। अब ये जो लाल रंग है वो दो जीन से, एक तो लाइकोपिन के जीन से एक एंथोसाइनिन के जीन से, दो जीन से नियंत्रित होता है, तो ये द्विजीनी लक्षण है या बहुजीनी लक्षण है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तरबूज का लाल रंग कैसा लक्षण है, तो द्विजीनी या बहुजीनी लक्षण होता है, ये लाइकोपिन प्लस एंथोसाइनिन दोनों से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, पुसा बेदाना का क्रॉस है, पुसा बेदाना तरबूज की प्रसिद्ध किस्म है, इसका क्रॉस है टेट्रा 2 × पुसा रासल। देखिए ये जो किस्म है ये त्रिगुणित किस्म है और बीज रहित किस्म है, तरबूज की काफी फेमस वैरायटी है, डॉक्टर खेरा ने इसको विकसित किया था और त्रिगुणित होने की वजह से बीज रहित है। इसमें जो टेट्रा 2 है ये तो 4 गुणित किस्म है, टेट्राप्लोइड है, और पुसा रासल ये द्विगुणित है। 4 गुणित और द्विगुणित का जब भी क्रॉस किया जाता है तो उत्पन्न होने वाली संतति त्रिगुणित होती है, तो पुसा वेदाना का क्रॉस है टेट्रा 2 × पुसा रासल, जो त्रिगुणित और बीज रहित किस्म है विकसित किया था डॉक्टर खेरा ने। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, अलसी के रेशे को क्या कहते हैं, अलसी के रेशे को फ्लेक्स या लेनन कहते हैं, तो 52 का राइट आंसर है सह उपरोक्त दोनों, यानी ए व बे दोनों, फ्लेक्स और लेनन। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, दूध के बर्तन धोने का सारीय शोधक है, देखो दूध के बर्तन धोने के सारीय शोधक है धातु सोडा भी है, इसको जनरली अपने 1 से 2% का उपयोग करते हैं और ज्यादातर बोतलें में कांच के बर्तन धोने के काम में लिया जाता है, कि ये बर्तनों में इसको काम में नहीं ले सकते हैं और ये जीवाणु नाशक का काम करता है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सारी शोधक ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कले की बर्तन व कांच के बर्तनों में इसको उपयोग में लिया जाता है। उसके अलावा है ट्राई सोडियम फास्फेट, ये भी सारी शोधक है और सभी प्रकार के बर्तन और यंत्रों को इसे धोया जा सकता है, ये भी जल्दी घुलने वाला जीवाणु नाशक होता है। तो 53 का राइट आंसर होगा द ऑप्शन, यानी दाहक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ट्राई सोडियम फास्फेट, चारों तीनों ही क्या है
दूध के बर्तन धोने के सार ये शोधक है। 53 का द ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, विदेशी नस्ल में गायों में यौवन आयु होती है। तो विदेशी नस्ल की गाय में यौवन आयु यानी गर्भ धारण के योग्य हो जाती है 18 माह की आयु में। 54 का बे ऑप्शन राइट है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 12 माह में तो बकरी यौवन आयु होती है बकरी की, 24 माह भारतीय गायों की होती है, और 30 माह भैंसों की होती है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, ग्वार के चूर्ण में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ग्वार का चूर्ण पशुओं के चारे के रूप में काम में लेते हैं, दाने के रूप में काम में लेते हैं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 40%। 55 का बे ऑप्शन राइट है। अगर दोस्तों मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।